हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। हीट सोर्स क्या होता है, हीट सिंक क्या होता है, देन वी विल स्टडी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फ्रेंड्स, व्हाट इज हीट सोर्स? ऐसा सोर्स या ऐसा बॉडी जिससे जिसकी जो है इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होती है। इट मीन्स उसकी इतनी एनर्जी होती है कि उससे कितना भी एनर्जी निकाल लो, उसे कितना भी जो है एनर्जी विड्रॉ कर लो, फिर भी उसके एनर्जी में कोई कमी नहीं आएगा। लाइक सन, सन कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, फिर भी जो है उसके एनर्जी में कमी नहीं आती है। सो हीट सोर्स क्या होता है फ्रेंड्स? इट हैज़ इन्फिनाइट हीट कैपेसिटी विच इज कैपेबल ऑफ रिजेक्टिंग, मतलब इतना जो है अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ हीट रिलीज करता है विदाउट सफरिंग अप्रिसिएबल चेंज इन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स। बिना किसी चेंज के, बिना उसके जो प्रॉपर्टी होती है उसमें बहुत ही माइनूट या कोई चेंजेस नहीं आता है, तो ऐसे सोर्स को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हीट सोर्स कहते हैं। रिटन हियर आल्सो, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जिसे कितना भी एनर्जी निकाल लें उसकी प्रॉपर्टी में, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता। तो ये हो गया अपना हीट सोर्स। नाउ हीट सिंक क्या होता है? हीट सिंक ऐसा सिंक होता है जिसमें कितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब कर ले या उसमें हम डाल दें, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आएगा या बहुत ही माइन्यूट चेंज आता है। ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हीट सिंक कहते हैं। लाइक अपना एटमॉस्फेयर, लॉट्स ऑफ जो है आपका जो एनर्जी क्या होता है, हम एटमॉस्फेयर में डालते हैं। लाइक थर्मल पावर से कितनी एनर्जी निकलती है, हीट निकलता है। अपना एसी जो है उससे कितना हीट निकलता है, सभी जो है इन्वायरमेंट में जाता है, बट फिर भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट सेम और बहुत ही माइन्यूट चेंज होता है। लाइक ओशन ऑल्सो, जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, कि कितना भी वाटर इसमें जाता है फिर भी उसके लेवल में बहुत ही माइन्यूट चेंजेस होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द हीट सिंक। इट हैज ऑल्सो इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी विच कैन अब्जॉर्व अनलिमिटेड क्वान्टिटी ऑफ हीट। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द हीट सोर्स एंड दिस इज द हीट सिंक। नाउ फ्रेंड्स, वॉट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है फ्रेंड्स? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फ्रेंड्स, द स्टेटमेंट गिवन बाय मीन्स टू स्टेटमेंट इज देयर फॉर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है फ्रेंड्स? फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन बाय केल्विन प्लैंक, केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, एंड सेकेंड वन इज गिवन बाय क्लासियस। व्हाट इज द स्पेलिंग? क्लासियस, CLASIUS, क्लासियस स्टेटमेंट। सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक्स। सो फ्रेंड्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज गिवन बाई टू स्टेटमेंट, वन इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, वन इज क्लासियस स्टेटमेंट। लेट्स सी फ्रेंड्स, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या होता है? प्लैंक्स स्टेटमेंट फ्रेंड्स, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने ये कहा कि ऐसी एक डिवाइस बनाना असंभव है,
ऐसी एक डिवाइस बनाना और वी कैन से हीट इंजन बनाना असंभव है जो क्या करे, यह थर्मल रिजर्वायर और हीट सोर्स से हीट ले और टोटल हीट को जो है वह वर्क में कन्वर्ट कर दे। ओके फ्रेंड्स, विथ अ सिंगल रिजर्वायर। यह क्या है, यह हीट सोर्स सिंगल रिजर्वायर है, हीट सोर्स है, दिस इज द हीट सोर्स एट टेम्परेचर टी। सपोज कीजिए, लेट सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई हीट सोर्स है, तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट यह कहता है कि ऐसी एक डिवाइस बनाना असंभव है जो हीट सोर्स से हीट ले और एक साइकिल में ऑपरेट करे और टोटल हीट को जो है वर्क में कन्वर्ट कर सके, ऐसी डिवाइस बनाना असंभव है। ओके फ्रेंड्स, बिकॉज इट इज टेकिंग हीट फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर, मतलब यह टोटल जितना हीट लेगा उसको वर्क में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा डिवाइस बनाना असंभव है। तो क्या संभव होगा, अगर हम कुछ रिजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, मान लीजिए Q1 आया और Q2 यहां से रिजेक्ट हो गया, कुछ वर्क मिला, तो इस टाइप के अगर बॉडी बनती है तो इसे हम क्या कहते हैं, हीट इंजन, हीट इंजन कहते हैं। तो हीट इंजन का कॉन्सेप्ट जो है यहां से हमें मिलता है। नाउ स्टेटमेंट क्या है, हम इसे एनालाइज करेंगे, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इसको केवल स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। स्टेटमेंट यह कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप, ऐसी एक डिवाइस बनाना असंभव है, डेवलप ए डिवाइस ऑपरेटिंग इन अ साइकिल, जो क्या करे, एक साइकिल में ऑपरेट करे, ऑपरेटिंग ऑन ए साइकिल प्रोड्यूसिंग वर्क बाय एक्सचेंजिंग हीट फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर। ओके फ्रेंड्स, इट मींस सेम हो गया, कोई हीट सोर्स है, यहां से हीट लिया, इसे साइकिल में ऑपरेट किया और टोटल हीट को क्या किया, वर्क में कन्वर्ट कर दिया, ऐसी डिवाइस बनाना असंभव है। अगर हम इसे हिंदी में राइट करें तो क्या होगा, ऐसा डिवाइस बनाना असंभव है जो कि एक साइकिल में ऑपरेट करे और कंप्लीटली हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके फ्रॉम ए सिंगल रिजर्वायर और हीट सोर्स वी कैन से। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय केल्विन प्लैंक। गेटिंग, सो हमें क्या करना है, ऐसा एक हीट सोर्स दिखाना है, हीट निकलते हुए दिखाना है, एक साइकिल बनाना है, एक डिवाइस बनाना है, यह जो ऑपरेट कर रहा है और टोटल हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देगा। इट मींस फ्रेंड्स, यहां पर क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू W,
क्यू इक्वल टू डब्ल्यू, तो इस केस में जो इफिशियंसी है वो कितना हो जाएगा, वर्क भी उतना ही है और हीट भी उतना ही है। इफिशियंसी क्या हो जाएगा, वर्क डिवाइड बाई हीट सप्लाइड, तो इस केस में इफिशियंसी क्या जाएगा फ्रेंड्स, वन, इट मीन्स 100% इफिशियंसी। तो हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई डिवाइस बनाना असंभव है जिसकी इफिशियंसी 100% है। ओके फ्रेंड्स, ऐसा कोई हीट इंजन बनाना असंभव है, क्योंकि यहां से ही हीट इंजन का कॉन्सेप्ट आता है। तो ऐसा कोई हीट इंजन बनाना असंभव है जिसकी इफिशियंसी 100% होगी। ओके फ्रेंड्स, नाउ दिस इज द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। व्हाट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट, व्हाट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट, फ्रेंड्स क्लॉसियस स्टेटमेंट ये कहता है कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर करना असंभव है बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के। इट मीन्स फ्रेंड्स, लेट्स सपोज हियर इसका टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका टेम्परेचर एक और बॉडी है, इसका टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो यहाँ पर जो सोर्स है उसका टेम्परेचर 60 डिग्री है, और यहाँ पर जो सोर्स है इसका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट के अनुसार ऐसा कोई डिवाइस बनाना असंभव है जो क्या करे, यहाँ से लोअर टेम्परेचर से हीट को हायर टेम्परेचर तक पहुँचा दे, ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के। सो ऐसा कोई डिवाइस बनाना संभव है जो यहाँ से हीट निकाले और यहाँ पर डाल दे, तो यहाँ पर डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। जब तक हम कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा एनर्जी जो है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर को ट्रांसफर नहीं होगा। गेटिंग फ्रेंड्स, दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाई क्लॉसियस। सो क्या है, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर को हीट ट्रांसफर करना बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के असंभव है, बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के असंभव है। ओके फ्रेंड्स, मतलब यहां से लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स लगाए हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, हमें लगाना ही पड़ेगा। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय क्लॉसियस स्टेटमेंट। लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर को हीट ट्रांसफर करना बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के असंभव है। गेटिंग फ्रेंड, दिस इज द क्लॉसियस स्टेटमेंट। होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसकी पूरी कोशिश करूंगा उसको फिर से अगेन एंड अगेन समझाने की। सो मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।